दवाई से एंजाइटी डिप्रेशन ठीक नहीं हो रहा है और खुशी के रसायन दिमाग में बढ़ाने के हैं, तो क्या तरीका हो सकता है? लोगों को दवाइयों की आदत लग चुकी है, दवाई बंद करते हैं तो फिर सिम्टम्स चालू हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करें? कुदरती नेचुरली हम हमारे एंजाइटी डिप्रेशन को कैसे ठीक करें, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या है कि जो लोग एंग्जाइटी और डिप्रेशन से परेशान हैं, तो आपने एक पैटर्न देखा होगा, उनको है निगेटिव थाट पैटर्न्स। कंटिन्यूस वो निगेटिव सोचते रहते हैं। अच्छा, निगेटिव आप और मैं सोचते नहीं क्या? बिल्कुल सोचते हैं निगेटिव। क्यों नहीं सोचते? सभी लोग निगेटिव सोचते हैं, मगर ये लोग ज़रा ज़्यादा ही सोचते हैं। तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन से बहुत ज़्यादा सिम्टम्स दिखाई देते हैं बॉडी में, जैसे कि हाथ कांपना, सीने में धड़कन, घबराहट होना, रेस्टलेसनेस, इधर से उधर, उधर से इधर जाना, बेचैनी है, नींद नहीं आती है, सिर दर्द करता है, पेट में मरोड़ आती है, फिर हाथ पैर में दर्द होता है। बहुत सारे ऐसे ऐसे विचार इतने आ जाते दिमाग में कि बस ऐसा लगता है कि शांत है ही नहीं दिमाग, कंटिन्यूस विचार आते जाएंगे। निगेटिव पैटर्न्स है, फिर डर है, घबराहट, डर, और ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा। उनको लगता है कि अपना कुछ तो भी खराब हो चुका है, इसलिए फिर बार बार हाथ धोएंगे, गलत विचार आएंगे। ये सब लक्षण एंग्जाइटी और डिप्रेशन के हैं। डिप्रेशन के विचार कभी कभी प्रोमिनेंट हो सकते हैं, जिसमें निराशा, नकारात्मक विचार, सुसाइडल थॉट्स, आत्मघात के विचार और रोना आना, बिना कारण रोना आ जाना, मतलब ऐसा काफी सारे डिप्रेशन के लक्षण भी होते हैं। तब ये होते क्यों है? तो ये हमको जानना जरूरी है कि ये होते इसलिए है कि हमारे दिमाग के जो खुशी के रसायन हैं, केमिकल्स जो खुशी के हैं, वो है सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स। तो स्पेशली सेरोटोनिन की मात्रा कम हो जाती है ऐसे समय। सेरोटोनिन की मात्रा कम हो जाती है तो फिर एंग्जाइटी और डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। हम दवाई देते हैं बाहर से पेशेंट को, दवाई देने के बाद में ब्रेन रिलैक्स होता है, ब्रेन रिलैक्स हो गया तो सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ जाती है और आपको अच्छा लगने लगता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दवाई जब तक लिया तब तक अच्छा लगता है, दवाई बंद किया कि तकलीफ होती है, तो फिर करे तो क्या करे? तो जानना जरूरी है होता क्यों है। देखिए क्या है कि जब बहुत ज़्यादा थिंकिंग हो रही है, ओवर थिंकिंग है, निगेटिव थाट्स है, दिमाग 24 घंटे काम कर रहा है, 2400 घंटे और नकारात्मक चालू है, तो क्या हो रहा है? जब ब्रेन चालू है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ब्रेन में जो गंदगी है, मतलब जो बाहर निकल जाना चाहिए, वो बाहर निकलते नहीं है। गंदगी केमिकल के भाषा में बोलना है या साइंटिफिक भाषा में बोलना है कि फ्री रेडिकल्स जो ब्रेन में तैयार होते हैं, जो एक खराब मटेरियल, जो यूजलेस मटेरियल तैयार हो रहा है, फ्री रेडिकल्स जिसको हम बोलते हैं, वो तैयार ज़्यादा मात्रा में हो रहे हैं। वो फ्री रेडिकल्स को सफाई करने का काम, साफ करने का काम, बाहर निकालने का काम एंटीऑक्सीडेंट करते हैं। अब फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा तैयार हो गए, एंटीऑक्सीडेंट उतने तैयार नहीं है, उतने मात्रा में नहीं है कि वो उनको नलीफाई करे या बाहर निकाले। अब क्या हो रहा है? फ्री रेडिकल्स ज़्यादा, एंटीऑक्सीडेंट्स कम, उसका एक्यूमुलेशन फ्री रेडिकल्स का, और उससे होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, उसको बोलते हैं OS, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है तो उससे आती है दिमाग में जो मज्जातंतु है, न्यूरॉन्स जो है, उनको आती है सूज, इन्फ्लेमेशन, न्यूरोनल इन्फ्लेमेशन होता है। और जैसे दिमाग को सूजन आ जाती है तो वो काम करना कम कर देता है, जिसके वजह से सेरोटोनिन, डोपामिन की लेवल कम। अब वो कम हो गई, उधर एंग्जाइटी डिप्रेशन चालू। दवाई देंगे तो दवाई से क्या होता है? दवाई से जो सूजन आई हुई है दिमाग को, वो कम होती है। कैसे? विचार कम हो जाते हैं, विचार कम हो गए, ब्रेन रिलैक्स हो गया, नेचुरली फ्री रेडिकल्स कम मात्रा में तैयार होंगे, फ्री रेडिकल्स कम मात्रा में तैयार होंगे, सूजन कम हो जाएंगी, सूजन कम हो जाएंगी, डोपामिन सेरोटोनिन लेवल्स बढ़ जाएगी। ये चक्र चालू है। दवाई बंद कर देते फिर से वही चालू हो जाता है। तो फिर हमको ये देखना पड़ेगा कि भाई ब्रेन को रिलैक्स कैसे करें। तो ब्रेन को रिलैक्स करने का एक तरीका जो है, मतलब अलग अलग है, उसमें का पहला तरीका आपको बता रहा हूँ मैं, कि भाई हम बार बार ये जो लोग हैं ना, ये लोगों से कंपेयर करते रहते हैं, तो एक कंपैरिजन हमको स्टॉप करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि विचारों के ऊपर नियंत्रण लाना पड़ेगा। ये जो लोग कंपेयर करते, उसका ऐसा, मेरा ऐसा, वो ऐसा, मैं ऐसा, वो अमीर, मैं गरीब, उसके पास पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं, वो दिखने में अच्छा है, मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, कुछ तभी कंटिन्यूस कंपेरिजन,
एक वो है। दूसरा मेरे दिमाग में ये लगता है कि मैंने यहाँ तक जाना चाहिए था और मैं यहाँ हूँ। मुझे 90% मार्क मिलना चाहिए था, मुझे 70 मिले। मैं इतना कर सकता हूँ, मैंने इतना किया। अब क्या हो रहा है, मुझे भी कम लग रहा है कि मैंने इतना किया, और बाकी बाहर के लोग बोलते हैं तेरे को इतना कैसे कम मार्क मिले, तू तो 90 वाला बच्चा है, तू 70 कैसे मिला है, 95 वाले 90 भी मिला है ना, तभी लोग दुखी है। तो क्या हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अपेक्षा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, लोगों के मार्क देखना, उससे कंपेरिजन करना, उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता है। हम ये देखते नहीं है कि भाई मेरे पास में है क्या, जो मेरे पास में है उसमें यदि मैं कृतज्ञ हूँ तो फिर मुझे लालसा निर्माण नहीं होगी, लालच निर्माण नहीं होगी, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन निर्माण नहीं होगी, बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस निर्माण नहीं होगा। अरे मुझे 90% मार्क मिले ना, 95 नहीं मिले तो भी, और 90% मिले तो भी, मैं इतने सारे हजारों लोगों से मैं आगे हूँ। जो है उसके लिए धन्यवाद, उसके लिए कृतज्ञता, ये होता नहीं है। और प्रॉब्लम यही है, कंटिन्यूसली मुझे ये चाहिए, मैं यहाँ हूँ। अब बार बार जब लोग बोलते हैं, आजू बाजू के वातावरण के लोग भी ऐसे ही बोलते रहते हैं कि तू ये करना चाहिए था, तू ये नहीं कर सका, मुझे भी वही लग रहा है। अब क्या हो रहा कि नेगेटिव पैटर्न्स तैयार होना चालू हो जाते हैं बचपन से ही, और वो पक्के होते जाते हैं, और फिर ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता, ठीक नहीं लगता, और ठीक नहीं लगा तो नेचुरली क्या होता है, ब्रेन को ज़्यादा काम, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, मैं बोलता हूँ हरदम ANT, ब्रेन को मैं बोलता हूँ ऑटोमेटिक थॉट मशीनरी, ATM चालू है ये मशीनरी। तो ये मशीनरी जब चालू होती है तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तैयार हो जाता है, और उससे ये सेरोटोनिन कम हो जाते हैं। अब इसका उपाय क्या है, नंबर एक, कंपैरिजन बंद करो। जो अपने पास में है, जो आपको मिला है, उसका स्वीकार करो। जो जैसा है वैसा है, और जैसा नहीं है वैसा नहीं है, वो मेरा अपना है, वो मेरा है और मुझे मंजूर है, चूज चॉइस, नंबर एक। नंबर दो, जो है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो है उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। और मेरे पास में 5,000 रुपये के जूते नहीं है इसलिए मैं उदास था, मगर जब मैंने एक आदमी को देखा कि उसको पाव ही नहीं है तो मेरी उदासी निकल गई। जो है उसके लिए कृतज्ञ था, नंबर दो। नंबर तीन जो है वो है कि आप कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी लेते हैं, CBT, हिप्नोथेरेपी लेते हैं। हिप्नोथेरेपी से क्या होता है, ब्रेन रिलैक्स हो जाता है, जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, और विजुअलाइजेशन करके हम अच्छे प्रतिबिंब दिमाग में छपवाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे इमेजिनेशन छपवाते हैं, जिससे ब्रेन को बहुत रिलैक्स लगता है, तो हिप्नोथेरेपी। और नेक्स्ट CBT में क्या होता है, CBT में हम लोगों को ये सिखाते हैं कि भाई जो आपको मिला है वो प्राप्त जो है वो पर्याप्त है, नंबर एक। और नंबर दो, क्या मुझे वो चीज़ मिली तो मैं सुखी होऊंगा? अच्छा, क्या जिसको वो मिली है वो सुखी है? ये तो मैं ऐसी रेस में दौड़ रहा हूँ जहाँ तो मैं कभी जीतने वाला ही नहीं हूँ। कितना दौड़ रहा हूँ, कितना टेंशन, कितना स्ट्रेस ला रहा हूँ, क्या मैं जीतने वाला हूँ इसमें? बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ, जिनको मिला है वो तो कभी जीतने का उनको एहसास ही नहीं हुआ है, वो तो चालू है। तो जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और जो मुझे मिला है वो ठीक है, और जो विचार चालू है उसके बारे में क्वेश्चन करना, डिबेट करना, डिस्प्यूट करना। कौन से विचार चालू है? स्ट्रेस आता है कि क्या मेरा बेटा घर में आया नहीं, 7 बजे उसने 7 बजे बोला था, 7:05, 7:10, बाप रे क्या हो गया, एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ उसने मारा पीट नहीं की किसके उसके साथ में, क्या हुआ क्या? तो जो नेगेटिव थॉट आते हैं तो उसको क्वेश्चन करना है, ये जो मुझे थॉट आ रहा है क्या वो सही है, थॉट है ना ये सही गलत क्या है, ये तो ऐसे ही आ रहा है, मैंने उसके ऊपर क्यों विश्वास रखना चाहिए, मैं उसको सही क्यों मानना चाहिए? तो थॉट है, वो लेट आ गया इसका मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया, ये कहाँ से लाया मैंने? वो लेट आया इसका मतलब उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो लेट आया इसका मतलब बहुत कुछ हो सकता है, वो लेट अभी आया नहीं है, लेट हुआ है इसका मतलब उसको दोष भी मिला हुआ है इसलिए वो रुक गया, इसका मतलब उसको भूख लगी होंगी कहीं खाने में रुक गया होगा होटल में, इसका मतलब उसको डैडी मिल गया होंगे उनके हाथ में और कहीं गया होगा, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा भी हो सकता है। मैं बार बार जो बुरा बोल रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें जो है ये हम क्वेश्चन करते, डिस्प्यूट करते हैं, पेशेंट के साथ में बातचीत करके समझाते हैं, और फिर उसको अच्छा लगता है। तो फोबिया हो, मतलब बहुत ज़्यादा भयगंड है, डर है, पैनिक अटैक्स है, बहुत डर
अटैक आ जाएगा, मर जाऊंगा, भागना चालू करता है इधर उधर, तो पैनिक अटैक्स हो। ओसीडी है कि बार 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 गंदगी है, बार 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 हाथ धोना, गंदे विचार आना, बार बार के खराब विचार आ जाना, बार बार स्नान करना, बार बार घर धोना, ओसीडी के विचार है। डिप्रेशन के विचार है, नकारात्मक विचार, रोना आना, सैडनेस लगना, दुखी रहना, या फिर एंग्जाइटी के विचार है। ये सभी विचार CBT और हिप्नोथेरेपी से नेचुरली कम हो सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं, एकदम रिलैक्स। ब्रेन को यदि रिलैक्स करते तो नेचुरली आपको अच्छा लगेगा और दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मेरे पास में लोग आते हैं उनको मैं बोलता हूँ कि चलो दवाई अभी मत बंद करो, दवाई एकाएक बंद करेंगे तो आपको तकलीफ होगी, तो आपने क्या करना है, जस्ट रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस करो, हिप्नोथेरेपी सीखो और धीरे 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 आप दवाइयाँ कम करो। ये करेंगे तो डेफिनेटली आपकी दवाई कम हो जाएंगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।